हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। इससे पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था रेजिन्स क्या होते हैं, उसके अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, और हमने रेजिन्स को कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनली इसको कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था इससे पहले के पार्ट में, मीन्स इंट्रोडक्शन टू रेजिन्स में। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि रेजिन्स होते क्या हैं। ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स अगर हम केमिकली अगर बात करें तो रेजिन्स जो है कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर्स होना मतलब कि ये जो रेजिन्स होते हैं इसमें सिंपल या सिंगल केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स टर्पीन्स के ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट होते हैं, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रेजिन्स होते हैं ये हमको ऑब्टेन होता है सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में, ये प्लांट से हमको ऑब्टेन होते हैं। और ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स हमको ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रेजिन और कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये रेजिन जो है बहुत से जो प्लांट्स होते हैं उसके या तो होल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके स्पेसिफिक पार्ट में ये रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, या तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ये रेजिन्स हमको ऑब्टेन होता है। कब ऑब्टेन होता है? जब ये रेजिन्स जो हमको जिस स्पेसिफिक कोई प्लांट है उसके अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट में अगर इंजरी हो जाती है, तो उस प्लांट के जो इंज्योर्ड पार्ट है उससे ये रेजिन्स क्या होते हैं, ये स्क्यूड आउट होते हैं लिक्विड के फॉर्म में, और उसके बाद ये ड्राई हो जाते हैं एयर के कॉन्टेक्ट में। तो इस तरीके से रेजिन हमको ऑप्टेन होता है बहुत से प्लांट में, इंज्योर्ड पार्ट में, या तो ये रेजिन जो है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स के अगर स्पेसिफिक पार्ट में इंसीजन कर दिया जाए, तो इंसीजन करने से ये जो रेजिन्स क्या होते हैं, ये रेजिन्स का प्रोडक्शन इंड्यूस होता है, और ये रेजिन्स जो है स्क्यूड आउट होते हैं, सिक्रीट होता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसाइज्ड पार्ट। तो इस तरीके से हमको डिफरेंट टाइप्स के रेजिन्स ऑप्टेन होते हैं, या तो होल प्लांट, या तो स्पेसिफिक पार्ट में, या तो इंजर्ड या इंसाइज्ड साइट में ये रेजिन्स हमको ऑप्टेन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पोडोफाइलम। तो पोडोफाइलम का जो रेजिन हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है? पोडोफाइलम का जो प्लांट होता है उसके रूट से हमको ये पोडोफाइलम रेजिन ऑप्टेन होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन। जैसे अगर हम स्पेसिफिक कोई पार्ट के बारे में बात करें तो जो कैनाबीस होता है, कैनाबीस के जो फ्लावरिंग टॉप में ये रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल जैसे कि कैप्सिकम हो गया, कैप्सिकम जिंजर है, ये सबसे भी हमको रेजिन्स ऑब्टेन होते हैं। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एसाफोइटिडा हो गया, बेंजोइन है, मीर है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमको ऑप्टेन होते हैं बाय द इंसीजन से, मीन्स उन प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में जब हम इंसीजन करते हैं तो ये बेंजोइन, एसाफोइटिडा और मीर है, गुग्गुल है, ये सब हमको ऑप्टेन होते हैं। तो ये हो गए रेजिन्स के एग्जाम्पल। तो ये हो गया रेजिन्स के बारे में ब्रीफ में। और ये रेजिन्स जो है वह से प्लांट्स में जो प्रेजेंट होते हैं या तो स्पेसिफिक डक्ट या कैविटी में प्रेजेंट होता है, इसको जनरली कंसीडर किया जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या तो एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये हो गया रेजिन्स और रेजिन्स के एग्जाम्पल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन लिखा हुआ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन में हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है, ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स हमको जो ऑप्टेन होते हैं प्लांट से जब हमको ऑप्टेन होते हैं, तो ये या तो ट्रांसपेरेंट होते हैं या तो ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट रेजिन के एग्जाम्पल जैसे कि कोपल हो गया, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और बहुत से रेजिन जो है ट्रांसलूसेंट होते हैं, सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। और ये जो बहुत से जो रेजिन्स होते हैं इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो रेजिन्स होते हैं इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन वाटर, मतलब कि वाटर से ये हैवियर होते हैं, और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रेंज होता है वो होता है 0.9 से 1.25। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रेजिन्स होते हैं, ये जो रेजिन्स जब इसको हीट किया जाता है स्लो टेम्परेचर में, जब इसको हीट करते हैं तो पहले क्या होता है, ये जो है सॉफ्ट हो जाता है ये रेजिन, और सॉफ्ट होने के बाद ये जो है अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के बाद ये जो लिक्विड जो बनता है वो स्टिकी एडहेसिव फ्लूइड होता है, मीन स्टिकी जो है ये एडहेसिव जो है फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मेल्टिंग, मतलब मेल्ट होने के बाद ये स्टिकी और एडहेसिव फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है ये रेजिन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये जो रेजिन्स होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, एमॉर्फस नेचर के होते हैं, और रेयरली ये क्रिस्टलाइन होते हैं।
और उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ये जो रेजिन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो रेजिन्स होते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, मीन्स एयर के प्रेजेंस में, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स बर्न होते हैं विद द स्मोकी फ्लेम। मतलब कि जब इसको बर्न किया जाता है तो स्मोकी फ्लेम डेवलप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रेजिन्स। मीन्स रेजिन्स जो होते हैं, रेजिन्स में लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होने की वजह से जब इसको हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो स्मोकी फ्लेम डेवलप होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो रेजिन्स होते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो रेजिन जो है किस किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है और किस किस चीज में इनसॉल्युबल होता है। तो जो रेजिन्स होते हैं वो प्रैक्टिकली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मीन्स वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। और दूसरा हमने लिखा है, ये जो रेजिन जो है सॉल्युबल किस में होता है, तो ये रेजिन जो है बहुत से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल इथेनॉल। इथेनॉल में इसमें फेयरली सॉल्युबल होता है, वैसे ही वोलेटाइल ऑयल में भी रेजिन जो है सॉल्युबल होता है, और क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड में, एसीटोन में, फिक्स्ड ऑयल और क्लोरल हाइड्रेट सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के रेजिन्स की क्या होती है, मोस्टली सॉल्युबिलिटी होती है। उसके बाद कुछ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें ये रेजिन्स जो है सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इसमें भी बहुत से रेजिन्स की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। बट ये जो रेजिन्स होते हैं वो प्रैक्टिकली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। मोस्टली बहुत से जो रेजिन्स होते हैं वो पेट्रोलियम ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं, मीन्स नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें रेजिन्स की इनसॉल्युबिलिटी होती है वो है पेट्रोलियम ईथर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कोलोफोनी। कोलोफोनी जो कि फ्रेशली अगर इसको पाउडर किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, तो ये पेट्रोलियम ईथर में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन मोस्टली जो रेजिन्स होते हैं वो पेट्रोलियम ईथर में उसकी इनसॉल्युबिलिटी होती है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ रेजिन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन्स के बारे में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। तो ये जैसा हमने आपको बताया था कि जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स जो है सिंगल कंपोनेंट की तरह फॉर्म नहीं होते हैं। मतलब ये रेजिन्स में एक सिंगल केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं, मिक्सचर्स ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या क्या केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर प्रेजेंट होता है इस रेजिन्स में, और ये जो रेजिन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर्स होते हैं, इसमें रेजिन एसिड, ईस्ट, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा इन रेजिन्स में प्रेजेंट होता है। रेजिन एसिड किसको बोलेंगे, जब उस रेजिन्स के जो मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड है तो उसका जो मेन केमिकल अगर एसिडिक नेचर का है तो उसको हम रेजिन एसिड बोलते हैं। रेजिन ईस्टर किसको बोलेंगे, रेजिन ईस्टर हम उसको बोलते हैं जिसमें रेजिन्स में जो मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड है उसमें जब जो ईस्टर ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो उसको हम ईस्टर रेजिन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो रेजिन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर्स होते हैं, रेजिन एसिड उसमें, रेजिन अल्कोहल होते हैं, और रेजिन ईस्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के रेजिन्स को क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये जो रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स जो है इसमें जैसा हमने आपको बताया था, इसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं, और इसमें नाइट्रोजन जो है मीन नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, बट इसमें फ्यू ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, कंटेन फ्यू ऑक्सीजन, फ्यू ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, एज डिप्राइव्ड ऑफ द नाइट्रोजन एंड कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसके बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये जो रेजिन्स होते हैं इनका क्या होता है, इनका स्लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है। स्लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है मतलब कि जब कोई भी स्पेसिफिक प्लांट या स्पेसिफिक प्लांट के इसमें पार्ट में जब इसमें कट या इंसिजन किया जाता है, ये जब एक्सक्यूड आउट होता है और जब एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होते हैं, ये जो लिक्विड जो फ्लूइड जो एक्सक्यूड आउट होता है, सीक्रेट आउट होता है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो कलर जो है उसको क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो रेजिन जो है स्लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। तो ये हो गया रेजिन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, जैसा हमने आपको बताया था कि जो रेजिन्स होते हैं ये
मिक्सचर्स होते हैं ऑफ केमिकल कंपाउंड, तो एमोर्फस मिक्सचर्स ऑफ, तो किस किस केमिकल कंपाउंड के मिक्सचर्स होते हैं, इसमें एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है, एसेंशियल ऑयल्स में ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स के मिक्सचर्स होते हैं, टर्पीन्स के ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट मतलब कि जितने टर्पीन्स होते हैं, टर्पीन्स क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन जो कि आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए होते हैं, तो इनके जो ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन के बाद जो उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो रेजिन्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के मिक्सचर्स जो है प्रेजेंट होते हैं रेजिन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से रेजिन्स को हम केमिकली डिफाइन कर सकते हैं कि दिस आर मॉर्फस मिक्सचर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, रेजिन्स आर रिकॉर्डेड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, मीन्स रेजिन्स को जनरली कंसिडर किया जाता है एज अ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं प्लांट के अंदर, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है तो उसी को क्या किया जाता है, उन्हीं एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उन्हीं के मिक्सचर्स को जनरली रेजिन्स कंसिडर किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रेजिन्स रिकॉर्डेड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है जो एसिड रेजिन्स होते हैं, एसिड रेजिन्स क्या होते हैं, तो हम आगे जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ रेजिन में डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जो रेजिन्स होते हैं और उन रेजिन्स में मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो वो जो केमिकल मीन्स एक केमिकल जो कि मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उस रेजिन्स का, उस मेन केमिकल को जो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब वो उसमें एसिडिक है या अल्कोहलिक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रेजिन्स को क्लासिफाई किया गया है। तो एसिड रेजिन्स क्या होते हैं, एसिड रेजिन में जिसमें मेन केमिकल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसी कारण से उसको हम एसिड रेजिन बोलते हैं। तो जो एसिडिक रेजिन्स होते हैं, एसिडिक रेजिन्स होते हैं, एसिड रेजिन को जब अल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ उसको जब ट्रीट किया जाता है तो सोप का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम रेजिन सोप बोलते हैं। और जैसे कि एग्जांपल एबेटिक एसिड, तो ये एबेटिक एसिड क्या होता है, ये रेजिन एसिड के अंदर आता है, और ये एबेटिक एसिड जो कि रेजिन है, इस कहाँ से प्रेजेंट होता है, कहाँ से ऑप्टेन होता है, ये आपको ऑप्टेन होता है कोलोफोनी से, कोलोफोनी से जो रेजिन हमको ऑप्टेन होता है एबेटिक एसिड, वो एसिड रेजिन का एग्जांपल है, और ये एसिड रेजिन को जब अल्कोलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो सोप का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आते हैं जो ये रेजिन्स होते हैं, ये रेजिन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वो जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, उसका जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप्स के जो रेजिन्स होते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ रेजिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का कंटेंट हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक, एस एल दियोरी एंड कादापड़ी की बुक से। थैंक यू।